हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज हम 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारे पास वही है, सरल रेखा में गति। एक विमीय गति की ही हम बात कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इस मोशन के अंदर लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको चार समीकरण बताए थे, गति के चार समीकरण बताए थे। कौन कौन से बच्चों? एक बताया था, सबसे पहला समीकरण वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बताया था नहीं बताया था? एक बताया था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बताया था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और फाइनली एक और बताया था डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, वो क्या बताया था बच्चों? u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। आप सभी को याद होगा ये चार समीकरण हमने डिस्कस किए थे। एक ही न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ग्रेविटी से आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल आते हैं। आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए गुरुत्व के अधीन एक विमीय गति। गुरुत्व के अधीन एक विमीय गति, इस टॉपिक को डाल लीजिए। डाल लिया ये टॉपिक, क्लियर? चलो, अब गुरुत्व के अधीन एक विमीय गति का सबसे पहला पार्ट समझिए। मैं यहाँ पर पार्ट्स में डिस्कस करता हूँ इस चीज को। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, जब वस्तु को नीचे की ओर गिराया जा रहा है, ऐसा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और उसको कहाँ की ओर? नीचे की ओर गिराया जा रहा है। पृथ्वी सतह से ये जो ऊंचाई है इसे h मान लीजिए, और प्रारंभिक वेग कितना है? जीरो है। पहला केस क्या है? प्रारंभिक वेग जीरो है और तब उसको नीचे की ओर गिराया जा रहा है। तो हमने बोला जब वस्तु को मुक्त रूप से, कौन से रूप से बच्चों? मुक्त रूप से नीचे की ओर गिराया जाए। जब आप ये वर्ड पढ़े ना, मुक्त रूप मतलब फ्री फॉल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री फॉल बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। फ्री फॉल हमेशा ऐसा होता है, जैसे लेट सपोज कीजिए आपके पास में पेन है और आपने इस पेन को ऐसा ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ छोड़ दिया, है ना? तो वो कहाँ की ओर आएगा? नीचे की ओर। लेकिन आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसा उसको नीचे की ओर नहीं फेंका, आपने सिर्फ छोड़ा है उसे। तो जब किसी वस्तु को ऐसा छोड़ देते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा कितना होता है? जीरो होता है, ध्यान में रखिएगा। तो फ्री फॉल के केस में हमेशा u बराबर क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। जब वस्तु नीचे की ओर आ रही हो तो एक फैक्ट ये भी है कि उसका जो त्वरण है वो प्लस का g लिखा जाना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पृथ्वी के लिए ऑलमोस्ट फिक्स ही है। हाँ, न्यूमेरिकली हम इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यूज कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए, वो बात अलग है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन आंसर जल्दी लाने के चक्कर में हम 10 से काम निकालते हैं। अदरवाइज एग्जैक्ट कितना यूज करना चाहिए अगर हमें बिल्कुल सही काम करना है? 9.8 काम करना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ये दो चीजें फिक्स होती हैं फ्री फॉल के अंदर। अगर मैं इस केस में काम करूं और गति के समीकरण लिखना चालू करूं तो मेरा पहला समीकरण v बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग तो जीरो हो गया, a का मान में प्लस का g लिखूंगा तो ये हो जाएगा gt। नीचे आने में लगा समय यहां से ही निकाला जाता है, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v डिवाइडेड बाय g। अगर हमें अंतिम वेग पता हो तो हम t यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? पहला समीकरण क्लियर हुआ, ये पहले समीकरण से डेटा। दूसरा समीकरण क्या मिलेगा? s इज इक्वल्स टू, s क्या है? h है, तो हमने लिखा h। ut, u का मान तो जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ, एक ही जगह g और t स्क्वायर।
कुल दूरी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आपको समय पता, और समय पता है तो फिर h निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर मैं t स्क्वायर लिखूँ तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय g, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h डिवाइडेड बाय g, रूट में ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसा काम होगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, v स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जब वो टच कर रहा था तब उसका वेग क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर टच कर रहा था तब उसका वेग क्या होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, प्रारंभिक वेग तो जीरो है, इज इक्वल टू 2a की जगह g और h। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज आता है। चलिए nth सेकंड में ट्रेवल कितना होगा, तो हमने बोला u तो जीरो हो गया, तो इस केस के अंदर जो चौथा समीकरण है sn वो हो जाएगा u तो जीरो, a की जगह g, तो ये हो जाएगा g बाई टू और 2n माइनस वन, ये यहाँ पर भी काम कर रहा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में जब वस्तु को प्रारंभिक वेग u से नीचे की ओर गिराया जाए, ठीक है, जब वस्तु को प्रारंभिक वेग u से नीचे की ओर गिराया जाए, अब भैया सारा काम ऐसा का ऐसा है, बस जहां u बराबर जीरो ले रहे थे वो मत लेना, नीचे की ओर गिरा रहे हो तो ये फिक्स है कि a की वैल्यू प्लस का g यूज करोगे, ये ध्यान में रखना, नीचे की ओर आ रही है प्लस का g यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सेम ऐसा का ऐसा ही काम है, बस फॉर्मूले कैसे चेंज होंगे, u और ऐड हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, दूसरा क्या, s की जगह h लिख लेता हूं, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और फाइनली फॉर्मेट क्या था भैया हमारे पास में था, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस जी बाई टू 2n माइनस वन, बताओ भाई कोई दिक्कत, ऐसा ही था, बस मैंने u और ऐड कर दिया इनमें, और कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्मूला में u और आ गया है ना। चलिए फाइनली, अभी तो दोनों केस में आपने नीचे की ओर ही गिराया है, आपने नीचे की ओर ही गिराया, अगर उसे ऊपर की ओर भेज दिया जाए तो क्या होगा, यदि वस्तु को ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाए, तो एक बार के लिए इसको उतार लो, आप इसको उतार लो, उसमें थोड़ी बहुत चीजें और डिस्कस करनी पड़ेंगी, एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अगर वस्तु को कहां की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, कितने वेग से, u वेग से ऊपर की ओर फेंक दे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पे कर देता हूं, तो टॉपिक है हमारे पास में, यदि वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, तो जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो चीजों को समझिए, ये पृथ्वी सतह, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, लेट सपोज करो वो यहां तक पहुंच गई, तो यहां पर वो अधिकतम ऊंचाई है, ये क्या है, ये उसकी अधिकतम ऊंचाई है जहां तक वो पहुंच सकती थी, और जैसे ही वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी उसका वेग जो है अंतिम वेग वो कितना हो जाएगा, जीरो, जब वो ऊपर की ओर जा रही होती है, यहां पर पहुंचने पर उसका वेग जीरो हो जाएगा, तो उसका प्रारंभिक वेग यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका अंतिम वेग जीरो हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई के लिए, यह बात ध्यान में रखिए, अधिकतम ऊंचाई के केस में, फिर और किसी भी ऊंचाई पर वेग कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर वेग जीरो होगा, यह बात ध्यान में रखिएगा।
चूंकि आप उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर फेंका रहे हो ऊपर की ओर, तो ये जो त्वरण है ना वो माइनस का जी यूज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, त्वरण कितना यूज होगा, माइनस का जी यूज होगा जब आप उसे कहाँ की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे बच्चों। तो काम करना चालू करते हैं, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं वी का फॉर्मूला, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो यू प्लस जी टी लिखते हैं ना, तो यहाँ पर प्लस का सॉरी ए टी की जगह मैं माइनस का जी टी लिखूंगा। ठीक, अब ये विवेग कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी विवेग हो सकता है। लेकिन अगर मैं अधिकतम ऊंचाई की बात करूँ तो मैं इसे लिखूंगा अधिकतम ऊंचाई हेतु, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई अधिकतम, चलो ये बाद में लगाते हैं, एक बार के लिए ये फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद में काम करते हैं, अधिकतम ऊंचाई का केस नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो V हो गया, S क्या होगा, तो S इज इक्वल्स टू यू टी, फिर माइनस का जी टी स्क्वायर लिखोगे बच्चों, एक ही जगह माइनस का जी। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का टू जी एच लिखोगे, ये ध्यान में रखिएगा, इस चीज को हमें दिमाग में रखना है जब वो ऊपर की ओर गति कर रही है तब। ठीक है, चलो अब काम करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्या भैया, अब इस चीज को थोड़ा सा, चलो ये फॉर्मूला एक एस एन और रह गया, एस एन इज इक्वल्स टू क्या, यू माइनस का जी बाई टू टू एन माइनस वन, यही तो किया है बच्चों। अब के समझिए अधिकतम ऊंचाई हेतु, अधिकतम ऊंचाई हेतु, अधिकतम ऊंचाई वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, एच मैक्सिमम के लिए वी की वैल्यू जीरो होगी, अंतिम वेग जीरो होगा, तो कितना वो मैक्सिमम ऊपर की ओर जाएगा, वो यहां से तीसरे समीकरण से, तो हम बोलेंगे हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का टू जी एच होता है, लेकिन एच मैक्सिमम अगर मैं लिखता हूं तो फिर वी का मान कितना भाई, जीरो लिखोगे, तो फिर ये इस तरफ आ जाएगा, 2GH maximum is equals to U square. चलिए तो H maximum बराबर कितना होगा रे देवताओं, U square divided by 2G होगा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना, U तो दिया हुआ होगा सवाल में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, या टाइम ऑफ सॉरी एक्सेंट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है ये। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, ये यहां से कैलकुलेट करोगे, v तो जीरो हो जाएगा, तो u माइनस जी टी का फॉर्मूला यूज करोगे, तो हम लिखेंगे जीरो इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी वन लिख देता हूं, ऊपर की ओर जाने में लगा समय, समय ध्यान में रखिएगा, ऊपर की ओर जाने में समय टी वन, नीचे की ओर आने में भी समय टी वन, जितना ऊपर की ओर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे की ओर आने में समय लगता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसे टाइम ऑफ एक्सेंट बोलेंगे, इसे टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, और ये दोनों ही बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिए, कब, जब हवा को नहीं माना जाए, हवा को हम मान रहे हैं कि नगण्य है भैया, हवा का प्रभाव नगण्य है। ठीक है, तो फिर जी टी वन कितना हो जाएगा, तो हमने बोला जी टी वन इज इक्वल्स टू यू, तो टी वन इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई जी, ये ऊपर की ओर जाने में लगा समय, तो जितना ऊपर की ओर उतना नीचे की ओर आने में समय लगेगा, तो कुल समय कितना लगा, तो हमने बोला पृथ्वी सतह पर पुनः पहुंचने में लगा समय, पृथ्वी सतह पर पुनः पहुंचने में लगा समय कितना भाई, तो हमने बोला टोटल टाइम टी मान लीजिए, और ये टू टी वन के बराबर होगा, ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई जी, बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है बच्चों ये, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कुल समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इस चीज को ये और ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा केस है, ये पूछे जाते हैं बच्चों, है ना, ये पूछे जाते हैं, जल्दी से उतारिए, फिर आगे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारिए, डन हुआ ये। चलिए इसी केस को थोड़ा सा और आगे से डिस्कस करते हैं,
इसी केस को थोड़ा सा और आगे से डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, वस्तु पृथ्वी सतह पर नहीं होती है ना, किसी मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर है, कोई गेंद है और वो किसी बिल्डिंग पर है। अब उस गेंद को आप उस बिल्डिंग से नीचे की ओर भी फेंक सकते हो, उस गेंद को आप ऊपर की ओर भी फेंक सकते हो, सीधा ऊपर की ओर भी फेंक सकते थे, ठीक है। तो यदि किसी गेंद को किसी इमारत से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक तरीके का क्वेश्चन ही है और एक तरीके का कॉन्सेप्ट भी है कि क्या भाई, यदि किसी पिंड को, यदि किसी पिंड को किसी h ऊंचाई वाली इमारत से u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो पृथ्वी सतह तक आने में लगा समय। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान में रख लेना। आपके पास में क्या है, एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग मान लीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी मान लेता हूं मैं, एच मान लेता हूं, ठीक। अब आपने क्या किया, किसी गेंद को या किसी पत्थर को लिया और कहां की ओर फेंक दिया, सीधा ऊपर की ओर फेंक दिया, वो सीधा ऊपर की ओर गई और फिर लौट करके कहां की ओर आई, नीचे की ओर आई। तो उसका जो समय देखा जाता है उसको दो तरीके से निकाल सकते थे, पहले तो ये समय निकालो पूरा ऊपर कहां तक पहुंची वो समय, और फिर वापस पृथ्वी सतह तक आने में लगा समय। तो इन दोनों समय को ऐड करोगे तो भी निकलेगा, अदरवाइज एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। क्या तरीका है वो समझिए, बहुत अच्छा सा सिंपल इफेक्ट बताऊंगा मैं आपको, कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन तरीका एक बार में सटीक है। क्या भाई, तो जब आप ऊपर की ओर फेंक रहे होते हो तो त्वरण ए बराबर क्या होगा, माइनस का जी होगा, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे थे ना तो त्वरण ए बराबर जी, फिर माइनस का जी। प्रारंभिक वेग जो भी दिया हुआ होगा ऊपर की ओर ही, तो ऊपर की ओर ही तो फेंक रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो भैया प्लस का वाई डायरेक्शन है, कैसा डायरेक्शन है, प्लस का वाई डायरेक्शन है, तो जो भी वेग दिया हुआ होगा वो प्लस का ही रखिएगा, प्लस का ही रखना, ठीक है। दिक्कत कहां आती है, एस से, एस कैसा देखा जाना चाहिए। तो बच्चे बोलते कि सर हमने ऊपर की ओर फेंका था, प्लस का वाई डायरेक्शन है, एस भी जो दिया हुआ होगा वो प्लस का ही रखना। नहीं बच्चों, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्या होगा वो समझिए। जब आपने ऊपर की ओर फेंका, ये बात बिल्कुल सही है, ऊपर की ओर फेंका तो उसकी ये वाली दूरी प्लस की ही है, तो ये वाली दूरी में प्लस का एच वन मान लेता हूं ऊपर की ओर इतना। जब वो वापस आ रही थी तो वो नीचे की ओर आई ना, तो नीचे वाली दूरी, अगर ये प्लस का ले रहे हो तो फिर ये तो माइनस का लोगे। तो जब वो नीचे की ओर आ रही थी तो आप ये ध्यान में रखो कि ये वाली दूरी उसने वापस से ट्रेवल करी, तो H1 ऊपर की ओर गई प्लस का बिल्कुल सही है, H1 नीचे की ओर भी तो आई तो माइनस का H1 आएगा नहीं आएगा, फिर ये दूरी वापस से ट्रेवल करी उसने कितनी H, कहां की ओर, नीचे की ओर, तो ये माइनस का H लिखोगे। तो H जो है वो वास्तविकता में उस इमारत की ऊंचाई है और वो किस में रखोगे, माइनस का H में रखोगे। और समय कौन से फॉर्मूला से निकालोगे, इससे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालिएगा, वहां पर एस की जगह तो जो भी इमारत की ऊंचाई दे रखी है ना वो रख दीजिएगा और वो माइनस में रखनी है, ठीक है, फिर यू टी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर ए की जगह माइनस का जी रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम पृथ्वी सतह पर आने में लगा समय एक बार में ही निकल जाएगा, एक बार में निकल जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो ये पता चला ये कैसे काम करना है, ऐसे सवाल में देखने पर या तो आप ऊपर की ओर जाने में लगा समय, फिर वापस नीचे की ओर जाने में लगा समय, दोनों को ऐड करके निकालो, या फिर अगर एक ही बार में निकालना है तो जो भी बिल्डिंग की ऊंचाई है उसको माइनस में लिखो, फिर जो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है वो ऐसा आ जाएगा, जो त्वरण, त्वरण तो देने की जरूरत नहीं है अगले को, माइनस का जी टी स्क्वायर कर लीजिएगा, टी से आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
बच्चों आज का पहला सवाल देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल के ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन आया है, नीट 2013 या 16 में एग्जिट क्वेश्चन आया है मतलब इस पैटर्न के ऊपर। सीधा नहीं दिया हुआ है लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये तो किताब का उदाहरण था, एग्जाम्पल था। चलिए क्या बोल रहा है वो, गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम बहुत ही बढ़िया नियम है। क्या बोल रहे हैं गैलीलियो भैया, एक बार के लिए पढ़ लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ, इसकी थ्योरी को समझाता हूँ आपको। गैलीलियो ने ये बोला कि लेट सपोज करो आपके पास में कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ना, और इस ऑब्जेक्ट को आपने मुक्त रूप से गिरा दिया, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर कितना, जीरो, ठीक है। जब आपने इसे नीचे की ओर गिरा दिया और लेट सपोज करो ये पृथ्वी सतह पर यहां पर आ रही है बाद में, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये गेंद जो है लेट सपोज करो यहां से लेकर यहां तक आने में 10 20 30 कुछ भी सेकंड ले रही होगी, तो वो समान समय अंतराल के अंदर, समान समय अंतराल में एक सेकंड का मान के चलता हूं, अपने दिमाग में मान लेते हैं, एक सेकंड में उसने लेट सपोज करो वो यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई, प्रारंभिक एक सेकंड के अंदर, पहले सेकंड में दूरी, लेट सपोज कीजिए वो दूरी कितनी मान लेता हूं मैं, वाई नॉट मान लेता हूं, कितनी दूरी, वाई नॉट मान लेते हैं, ठीक है। नीचे की ओर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, तो फिर ए का मान जो है वो आप प्लस का जी यूज कीजिए, ठीक, ये पहले सेकंड के अंदर है ना, पहला सेकंड, वाह पहला सेकंड, ठीक है। तो अगर पहले सेकंड में उसने वाई नॉट दूरी तय करी है तो दूसरे सेकंड में, सेकंड दूसरे सेकंड में लिख देता हूं, दूसरे सेकंड में उसकी दूरी अब ये यहां पर पहुंच जाएगा, थ्री वाई नॉट, विषम अंकों में चलना चाहिए, ठीक। फिर तीसरे सेकंड में वो कितना, तीसरे सेकंड में वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जब आप तीसरे सेकंड की दूरी नापोगे तो आपको पता चलेगा ये 5y0 है, प्रारंभ का कितना, 5 गुना है। और फिर ये पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ऐसे चौथे में नापोगे तो चौथे में आपको पता चलेगा कि ये दूरी कितनी आ रही है, अरे देवताओं 5 की जगह 7y0, विषम अंक, एक से स्टार्ट होने वाले विषम अंकों के अनुपात में दूरी ट्रेवल करता है वो। तो अगर पहली दूरी y नॉट है तो दूसरी दूरी 3y0, तीसरी दूरी 5y0 और चौथी दूरी कितनी, 7y0 है। y नॉट से y नॉट कैंसिल हो जाएगा तो दूरियों का अनुपात कैसा आएगा, ऐसा आएगा। आप आगे की ओर निकाल लीजिए अगर समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, ये गैलीलियो ने बताया, प्रदर्शित किया। बच्चों अब मेरी बात को समझिए, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, तीन सेकंड नहीं बोल रहा हूं, तीन सेकंड में तय दूरी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तीसरे सेकंड में, उस पर्टिकुलर तीसरे सेकंड में उसने इतनी दूरी तय करी, तीन सेकंड नहीं है ये तीन नहीं है, ये तीसरा सेकंड जो है ना, पर्टिकुलर तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करी, वो है भैया मतलब एनवे समय में तय की गई दूरियां हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये मान करके चलू, एनवे सेकंड में तय की गई दूरियों का हिसाब लेकर के चलू, बच्चों एनवे सेकंड में तय की गई दूरियों का हिसाब लेकर के चलू, तो दूरियां समझिएगा। तो हमने बोला लेट्स सपोज कीजिए, सपोज करते हैं क्या भाई, पहले सेकंड में तय दूरी, पहले सेकंड की बात करते हैं कि पहले सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा, तो हमने बोला वाई नॉट लिखा पहले सेकंड में, एस इज इक्वल्स टू, एस एन का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट में अगर मैं पहले सेकंड की बात करूं तो मैं लिखता हूं S1 इज इक्वल टू वाई नॉट है, S1 की वैल्यू वाई नॉट है, ठीक है, और वो मैं लिख लूंगा, प्रारंभिक वेग कितना, जीरो, फिर A की जगह लिखेंगे प्लस का G बटा क्या, दो, और N की जगह क्या लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा दो में से एक को घटाइए, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, S1 की जगह वाई नॉट लिख देता है, कितना भाई, दो में से एक, तो ये तो एक ही हुआ, तो कुल मिलाकर के आया g/2, पहले सेकंड में तय दूरी कितनी है, g/2 आएगी भैया। फिर दूसरे सेकंड में तय दूरी देखिए, ये पहला इक्वेशन हो गया,
तो हमने बोला दूसरे, समझिए, दूसरे सेकंड में तय दूरी कितनी भाई, S2 लिखूं, ये यहां से लेकर यहां तक दूसरे सेकंड में तय दूरी है S2, जिसे हम क्या लिखेंगे, S2 का मान देखो 3y0 के बराबर आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा भैया, देखना है ना, ये कितना भाई u प्लस हाफ a बाई टू 2n-1, लेकिन इस बार n की जगह कितना 2 लिखना है हमें, ध्यान में रखिएगा, u का मान 0 है, प्लस a की जगह g बटा क्या 2, n की जगह 2 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4-1, 4-1 कितना 3 हो गया क्या, तो ये हुआ 3/2g, गौर कीजिएगा, ये s2 आ रहा है, ठीक है, चलिए s2 देखो, आप गौर करो 3y0 आ रहा है, y0 इतना था, तो ये 3y0 आ रहा है क्या, देखो 3 × g/2 है ये, है नहीं है, ये y0 था, 3y0 आया नहीं आया, बताओ आया ना, चलिए ऐसे ही बात करते हैं तीसरे सेकंड में तय दूरी, तीसरे सेकंड में तय दूरी ये कितनी होगी भैया, तो ये अपन ने लिखा s3 इज इक्वल्स टू क्या भाई, u की जगह 0 प्लस a बाई टू मतलब g/2, फिर n की जगह 3 रखना है, तो 2 × 3 कितना 6, -1 5 हो गया क्या, देखो ये कितना आ रहा है 5 × g/2, बताओ आ रहा है क्या, गौर कीजिए, जब मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, जब मैं अनुपात निकाल रहा हूँ s1 अनुपात, s2 अनुपात, s3 ही करके देख रहा हूँ, 3 से ही काम कर रहा हूँ, तो s1 का मान मेरे पास में कितना आ रहा है, g/2 आ रहा है, s2 का मान कितना आ रहा है, 3g/2 आ रहा है, इसका 5g/2 आ रहा है, g/2 से g/2 सारे कैंसिल हो रहे हैं, कितना आ रहा है, 1:3:5, पता चला, वो यही तो बोल रहा है, समान समय अंतराल, मैंने समय अंतराल कितना लिया है, 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड, अरे ये 1 सेकंड तो पहला सेकंड, 1 सेकंड दूसरा सेकंड, दूसरा मतलब है तो टोटल 1 ही सेकंड, तीसरा सेकंड, तीसरा सेकंड भी 1 ही तो सेकंड हुआ, चलिए ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती हैं जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याएं होती हैं, एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याएं, ठीक है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, ये ध्यान में रखना, तो ये दूरियां भी ध्यान में रखना, वाई नॉट ये वाली 3y0, ये वाली 5y0, ऐसा मान लीजिए, तो यहां पर अगर मैं बोलूं पहले t1 समय में इतना, तो फिर नेक्स्ट वाले में वापस से t1 समय लो इतना, नेक्स्ट वाले t1 समय में इतना, और नेक्स्ट वाले t1 समय में इतना, इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है, उतारिए इस चीज को, ये नहीं तो आपको ऐसे t1 समय नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तो बोलूंगा कि पहला दूसरा तीसरा सेकंड मान लो, काम खत्म करो, ठीक है, इससे आपको पता चलना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक समय के अंदर दूरियों का अनुपात विषम संख्याओं में होना चाहिए, तो अब मैं समझना, अब इसको क्या बोलूंगा, अगर आपको बोले कि 2 सेकंड में कुल दूरी कितनी ट्रेवल होगी, तो पहले सेकंड में इतनी, दूसरे में इतनी, तो 2 सेकंड में इतनी दूरी तय की क्या, वाई नॉट और 3y0 कितना, 4y0 दूरी कितने, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 3 सेकंड में, पहले सेकंड में इतनी, दूसरे सेकंड में इतनी, तीसरे सेकंड में इतनी, जोड़ो ये तो 4y0 यहां से, 5y0 यहां से, 9y0 हो गया, 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी, 9y0, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 4 सेकंड में, चौथे सेकंड नहीं 4 सेकंड में, पहले सेकंड में दूरी प्लस दूसरे सेकंड में दूरी प्लस तीसरे सेकंड में दूरी प्लस चौथे सेकंड में दूरी, जोड़ लो 4, 5, 9, 9, 7, 16y0, ठीक है, पता चला, तो पहले सेकंड की अगर मेरे को दूरी पता हो, तो मैं 4 सेकंड वाले की टोटल दूरी निकाल सकता हूँ, ठीक है, दिमाग में रह जाएगा, चलिए उतारिए अभी से, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, आपकी बुक के ही एग्जांपल है, NCERT के ही एग्जांपल है, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, एक पत्थर 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है, मान लीजिए कोई मीनार है 100 मीटर की, उससे गिराया जाता है, प्रथम 50 मीटर गिरने में लगा समय और अंतिम 50 मीटर गिरने में लगा समय ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है,
देखिए किस तरीके से काम करना है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक मीनार मान लीजिए 100 मीटर ऊंचाई की है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये धरातल मान लीजिए। यहाँ से किसी पत्थर को फेंका गया है, ये टोटल ऊंचाई 100 मीटर है, जिसमें से अगर मैं आधी मानूं तो आधी 50 मीटर है, ठीक है, यहाँ तक कि 50 मीटर मान लेते हैं, बची हुई रिमेनिंग कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो ये 50 मीटर वाला एक स्लैब बना देते हैं, ठीक। यहाँ पर पॉइंट अपन मान लेते हैं ए है, इस वाले पॉइंट को 50 मीटर वाले को बी मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट को सी मान लेते हैं, ठीक। एक पत्थर को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया गया और सबसे पहले उसने कितना मीटर तय किया बच्चों, 50 मीटर ट्रेवल किया। तो कहाँ की ओर आ रहा था, आंसर है नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर एक्सिलरेशन त्वरण जो है वो कैसा देखा जाता है बच्चों, प्लस का जी देखा जाता है, यही पता है। चलिए इसी को ही कॉन्सेप्ट में ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। तो पहला केस, केस फर्स्ट, ए से लेकर बी तक। तो हमने लिखा पथ, कौन सा पथ है हमारे पास में, ए बी हेतु। और ये पहले केस के लिए हम काम कर रहे हैं जब वो 50 मीटर गिरने की बात कर रहा था। समय ही तो पूछ रहा है बच्चों, समय को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिसमें दूरी भी है और समय भी है, ठीक है। ऐसे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी है, लेकिन उसमें दूरी नहीं है, तो वो फॉर्मूला लॉजिकलेस हो गया। चलिए काम करते हैं भाई, नीचे की ओर गिर रहा है तो a की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का g लिखेंगे, तो ये जी टी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्लियर। प्रारंभिक वेग मात्र गिराया ही जाता है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है, जीरो है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ए बी पथ हेतु u बराबर जीरो है। तो हमने बोला कि s की वैल्यू इस केस में 50 मीटर है, u का मान शून्य है, तो ये भाग शून्य हो चुका है, बराबर कितना, 1/2। g का मान मैं 10 लेकर के काम कर रहा हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। t का मान हमें ज्ञात करना है भाई, t1 लिख देते हैं पहले वाले समय को, है ना। इसके लिए कितना समय लग रहा है, T1, इस वाले के लिए कितना समय लग रहा है, T2 मान लेते हैं, और पूरा समय कितना है, T मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसको इससे हटाया, 5 आया, 50 आ गया क्या, सॉरी इसे काटने पर 10 आ जाएगा, है ना। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, या T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, सो T1 इज इक्वल्स टू √10 सेकेंड। ये पहले का आंसर है ना। ए से लेकर बी तक पहुंचने में लगा समय कितना है, √10 मीटर है, ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ बच्चों, ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं, बीसी पथ देखना है। अब बीसी पथ के लिए या तो T2 निकालो, वो कैसे निकलेगा, जब आपको उसका यू पता हो, मतलब बी पर वेग पता हो। क्या हमें बी पर वेग पता है, आंसर है नहीं। तो या तो वेग निकालो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से वेग भी निकाला जा सकता है। टी का मान आ चुका है, ए का मान 10 रख लीजिएगा, तो यहां पर वेग भी ज्ञात हो जाएगा, आसानी से वो काम भी हो सकता है। अदरवाइज मैं आपको तरीका एक और बताता हूं, आप क्या कीजिए, पूरा समय ज्ञात कीजिए यहां से लेकर यहां तक एसी पथ का, ठीक है। और उस एसी पथ का समय आसानी से इसी फॉर्मूला से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि एसी पथ के लिए यू बराबर कितना है, जीरो है, बीसी पथ के लिए यू बराबर जीरो नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो एसी पथ के लिए यू बराबर जीरो, तो वापस से एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से हो जाएगा। हाँ, एसी पथ के लिए एस का मान कितना है भाई, 100 मीटर है क्या पूरा देवताओं, तो उससे काम कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो टोटल समय में से, कुल समय में से T1 को हटा दीजिएगा, T2 ज्ञात हो जाएगा। तो हमने लिखा दूसरा पार्ट, कौन सा भाई, एसी पथ हेतु, है ना। एसी पथ हेतु क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी, और टी स्क्वायर लिख देता हूं, कुल समय टी ही मान लीजिए। एस का मान कितना है, 100 है, ये जीरो हो जाएगा, ये वही हाफ जी का मान 10 और टी स्क्वायर। भैया एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, इसको इससे गुणा करोगे तो 20 आएगा। तो कुल समय टी का मान कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 20, तो टी बराबर कितना भाई, √20 सेकेंड आ गया। चलिए अब हमें क्या पता है, हमें तो T2 ज्ञात करना है ना। तो सेकंड केस के लिए हमने लिखा कि भैया सेकंड केस के अंदर, मतलब पहले वाले का तो हो ही गया, अब दूसरे वाले का आंसर निकाल रहा हूं, हम बोलेंगे T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। इसका मतलब T2 इज इक्वल्स टू T माइनस T1। T का मान कितना, √20, इसका मान कितना, √10, और ये सेकंड में लिख लीजिएगा। आप आगे जाए तो सॉल्व कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √20 में से √10 को निकाल दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। डन हुआ ये काम।
चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर मैं ये करूँ तो शायद वो वाला स्पेस यूज़ करें। चलो काम करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी करके देखते हैं, शायद हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बहुमंजिला भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में फेंकी गई है। बहुत बढ़िया, तो शायद मेरे को स्पेस चाहिएगा। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब काम करते हैं, आपको पहले तो एक बहुमंजिला इमारत चाहिए है ना, और उस बहुमंजिला इमारत की ऊपरी छत से एक गेंद को कहां की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर ही फेंका गया, नीचे की ओर नहीं फेंका गया बच्चों। और जब किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी का मान कैसा लेते हो रे देवताओं, माइनस का ले रहे हैं क्या? ऊपर की ओर फेंकोगे तो माइनस का। चलिए तो डायग्राम में काम करें भैया, तो ये बोल रहा है एक बहुमंजिला इमारत बना देता हूं, ये लो ऐसा, छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई है। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई दे रखी है क्या? छत की पृथ्वी तल से ऊंचाई 25 मीटर है, चलो ये भी दे रखा है। टोटल ये 25 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। एक गेंद लो, गेंद को कहां की ओर फेंको, ऊपर की ओर फेंको, फेंक करके जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं वो एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त करती है और पुनः कहां की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, ये बात ध्यान में रखना ठीक। अब सवाल को समझिए, जब उसे फेंका जा रहा है तो u बराबर कितना है भैया, u का मान देखिए 20 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर फेंक रहा है। चलो काम करना चालू करें क्या, गेंद कितना ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगी, मैक्सिमम हाइट पर आते आते समझना, अधिकतम ऊंचाई पर आते आते उसका अंतिम वेग कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, वी शुड बी जीरो ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूं, ए से गई बी पर और बी से वापस से कहां पर आएगी, सी पर आएगी ठीक है। चलिए तो हमने बोला अधिकतम ऊंचाई के लिए पहला केस, अधिकतम ऊंचाई हेतु वी बराबर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उस केस में आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखते हैं। जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ए की वैल्यू माइनस का जी लेते हैं, जब आप ऊपर की ओर फेंक रहे होते हैं ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह माइनस का जी लिखेंगे, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, तो ये हमने लिखा जीरो। प्रारंभिक वेग कितना 20 है, तो ये 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस टू, ए की जगह माइनस का जी रखेंगे, मतलब माइनस का 10 रख लेता हूँ। और ये तो हमें ज्ञात करना है कि अधिकतम ऊंचाई वो कितना प्राप्त करेगा, एस या फिर आप एच मान लीजिए, आपको सुविधाजनक होगा। तो ये माइनस का 20h हो जाएगा, माइनस का 20h इधर आते ही प्लस का 20h हो जाएगा क्या, 20h इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, 20 से 20 कैंसिल, h का मान कितना आया रे 20 मीटर और ऊपर जाएगी वो, यहाँ से कितना ऊपर जाएगी 20 मीटर। और टोटल ऊंचाई अगर मैं देखूँ पृथ्वी सतह से तो 25 ईयर 20 ईयर, टोटल कितनी 45 हो गई क्या रे देवताओं। तो हमने लिखा पृथ्वी तल से गेंद कितनी ऊपर जाएगी, आंसर है 20 मीटर और ऊपर जाएगी, या फिर आप लिख सकते हैं पहले का आंसर, गेंद पृथ्वी तल से, कहां से बच्चों, पृथ्वी तल से 20 प्लस 25 मीटर बराबर 45 मीटर ऊपर होगी या ऊपर जाएगी। अब ये बिल्कुल सही है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं, हम साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई हम ऊंचाई कहां से देख रहे हैं, पृथ्वी तल से। ये ऊंचाई कहां से थी, बहुमंजिला इमारत की छत से थी ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। दूसरा केस देखिए इसका क्या बोल रहा है, पृथ्वी से टकराने में कितना समय लगेगा। अभी तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे चीजें और सिंपल हो जाएंगी। चलिए देखो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप पृथ्वी समय से टकराने, मतलब पृथ्वी पर टकराने में कितना समय लगेगा, तो पहले तो वो ऊपर गई, ऊपर जाने में लगा समय, फिर यहां से वापस यहां तक आने में लगा समय, दो समय है, दोनों समय को जोड़ दो तो क्या आएगा,
पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय आएगा, यही क्लियर है। चलिए ऐसा करके देखते हैं पहले केस के लिए, मतलब काम करके देखते हैं। तो हमने लिखा ए बी पथ हेतु, ए बी पथ हेतु, समझिएगा ए बी पथ हेतु। ए बी पथ के लिए हमने लिखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए का मान माइनस का जी लिखूंगा, v का मान ए बी पथ के लिए v का मान शून्य है तो ये लिखा जीरो, u का मान कितना 20 प्लस ए का मान माइनस का 10 रख देता हूँ और t हमें ज्ञात करना है, इसे t1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 10 t1 इज इक्वल्स टू 20, तो t1 का मान, सॉरी माइनस का नहीं, इस तरफ आते प्लस का हो गया, तो t1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेकंड हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो ए से लेकर बी तक है, वो बी से सी तक भी तो आएगा तभी तो पृथ्वी पे पहुंचेगा। फिर हमने देखा बी सी पथ हेतु, कौन से पथ हेतु बच्चों, बी सी पथ हेतु। अब बी सी पथ के लिए टी टू समय मान लेते हैं, इस वाले के लिए हमने टी वन समय माना, तो इस वाले के लिए टी टू समय मान लेते हैं। अब जब वो यहां से यहां आ रहा था तो दिमाग में रखिए उसका वेग कितना जीरो है, प्रारंभिक वेग। अब ये प्रारंभिक वेग सेकंड केस में है ना, बीसी पथ हेतु उसका प्रारंभिक वेग जीरो है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ अंतिम वेग की अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि अंतिम वेग कितना है, नहीं पता मेरे को, ठीक, लेकिन मेरे को दूरी पता है बीसी पथ की, मेरे को दूरी पता है कितनी दूरी है भाई, 45 क्या मीटर है ना। फॉर्मूला कौन सा, पहला नहीं यूज करोगे क्योंकि v की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, v की भी नहीं पता और t की भी नहीं पता, तो फिर हम कौन सा दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी समय है ना। s का मान कितना 45, u का मान bc वाले केस में कितना है जीरो है, अरे bc वाले केस में प्रारंभिक वेग यही तो बना, तो जीरो हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, तो ये जीरो हो जाएगा, u का मान जीरो तो फिर पूरा मान जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a का मान क्या भाई, अब नीचे की ओर आ रही है तो प्लस का जी लेंगे, गेंद कहाँ की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो इस केस में अगर आप a देखोगे तो प्लस का जी लिखोगे, ध्यान में रखिएगा, प्लस का जी मतलब 10, और इस केस में समय को हमने टी टू माना है तो टी टू का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको इससे हटाए तो 5 आएगा क्या, और 5 को इससे हटाए तो 9 आएगा क्या, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब T2 बराबर कितना 3 सेकंड आएगा, नहीं आएगा, कुल समय कितना लगा, तो गेंद गई पहले A से लेकर B और फिर B से गई C, तो कुल समय जितना लग रहा है गेंद को दैट इज T1 प्लस T2, T1 का मान 2 सेकंड, T2 का मान 3 सेकंड, आएगा कितना 5 सेकंड, कितना आएगा रे देवताओं 5 सेकंड, ठीक है, पता चला क्या। एक बार के लिए इस तरीके को उतारिए, फिर इसी केस को मैं एक और तरीके से बताऊंगा, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए बच्चों, जल्दी से इसे उतारें, अब अगर अब साइन कन्वेंशन को याद रख सको तो ये दो काम न करके हम एक काम से भी कर सकते थे, ये क्लियर हुआ ना, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसी चीज को आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको दो बार समय नहीं निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये ज्यादा सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल है, इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे इस तरीके को भी देखेंगे, बहुत सारी किताबों में ये तरीका भी दिया हुआ है, इवन सही भी है, तरीका बिल्कुल सही है, तो समझने में हर्ज नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है वो, इस तरीके के केस में जब वो बोलता है कि आप गेंद तो ऊपर की ओर फेंक रहे हो, गेंद कहाँ की ओर फेंक रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो, और पूछ रहा है कि पृथ्वी समय पर टकराने में कितना समय लगेगा, तब आप कहाँ से कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कहाँ से हम साइन डिफाइन करेंगे। तो हमने बोला गेंद को कहाँ की ओर फेंका था, ऊपर की ओर फेंका था, तो प्लस का वाई डायरेक्शन में जा रही थी प्रारंभिक, ठीक है। चलिए तो ये गेंद कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पर ऊपर ऊंचाई पर पहुंच गई, और फिर कहाँ की ओर आई, नीचे की ओर आई, तो उसका प्रारंभिक वेग जो था इस केस में, ये प्रारंभिक वेग यहाँ वाला, ये 20 मीटर पर सेकंड आप प्लस का ही लेकर के चलेंगे, और चूंकि आप गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो a इज इक्वल्स टू माइनस का जी, साइन कन्वेंशन,
ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों। ये जो आप यूज करते हो ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पर s विस्थापन है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर विस्थापन है तो डायरेक्शन भी है ना, तो इसका भी s का भी एक साइन होगा क्या भाई। तो गेंद ऊपर की ओर गई इतना डिस्टेंस, इतना लेट सपोज करो इतना एच ऊपर की ओर गई और फिर वापस से एच नीचे की ओर आ गई क्या। ऐसे तो ऊपर की ओर गई थी एच और वापस से नीचे की ओर आई, तो अगर मैं ऊपर वाला प्लस का वाई ले रहा हूं तो नीचे वाला माइनस का वाई लूंगा। तो ये ऊपर वाला प्लस का एच नीचे वाला माइनस का एच, ये तो खत्म हो गया। अब गेंद ने कितना और ट्रेवल करना है, ये और ट्रेवल करना है यहां से लेकर यहां तक का। ये कितना है भाई, ये कितनी बहुमंजिला इमारत थी, 25 मीटर वाली इमारत थी, तो उसे नीचे की ओर और कितना आना है, 25 मीटर आना है, लेकिन वो माइनस के वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो एस है वो कैसा देखा जाएगा, माइनस का 25 देखा जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखने लायक बात है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, एस कैसे देखोगे, यू कैसे देखोगे और ए कैसे देखोगे, पता चला। हमने बोला गेंद को फेंका कहाँ की ओर था, ऊपर की ओर, तो प्लस का वाई डायरेक्शन देखा हमने, ठीक है, प्रारंभिक तो वही था। फिर ए देखा, ए कैसा ऊपर की ओर फेंका था, माइनस का जी देखा। फिर एस कैसा देखा, तो ये तो प्लस का एच लेंगे, ये माइनस का एच और ये माइनस का एस, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये प्लस ये प्लस का और ये माइनस का, ऐसा ही तो होगा। चलिए तो ये इस तरीके से काम किया जाता है। तो हमने बोला इस बार आप फॉर्मूला यही यूज करो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहां s की वैल्यू कितनी, माइनस का 25 रखिएगा। u का वैल्यू कितना रखेंगे, u का 20 लिखेंगे, t हमें कैलकुलेट करना है। फिर प्लस हाफ ए की वैल्यू कितना, माइनस का जी, माइनस का जी मतलब माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर कर देता हूं, ये 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गया माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ऐसा ही है। इसको उठा करके, इन सभी को उठा करके इस तरफ ले आओ, तो 5t स्क्वायर माइनस 20t और माइनस का 25 इज इक्वल्स टू क्या, जीरो। पांच को कॉमन ले सकते हो क्या, पांच को कॉमन लो, पांच का भाग लगा दो, तो ये कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, यही हुआ। चलिए अब इस चीज को सॉल्व कीजिए भाई, सभी को पता है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। तो हमने लिखा टी स्क्वायर, 40 को तोड़ो, माइनस के 40 को तोड़ो कि ऐड करने पर माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5 आए, कैसे भैया। तो एक मिनट, इसे कैसे कर सकते हैं, 5 × 1 हो गया ना, मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, माइनस का तो 5t करो और प्लस का t करो, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 माइनस का 5 × 1, ये 1 ही हो गया, माइनस का 5 आ गया, और ऐड करोगे तो माइनस का 4t, ये लो, और माइनस 5 इजिकल्स टू 0। मेरे हिसाब से सभी को पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, 10th में यही तो किया था आप लोगों ने, है ना। यहाँ पे प्लस का 1 लिया और ये कितना आया रे, टी माइनस 5 आया, इक्वल टू 0, टी माइनस 5 को कॉमन लिया तो टी माइनस 5 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू मिली, एक तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 से t की वैल्यू कितना, 5 सेकंड, जो हमारा आंसर है, और एक t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1, जो पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं ये भी समझा सकता हूं कि ये माइनस का 1 देखा कैसे गया है, इस चीज को भी आप देख सकते हैं, बताऊं कैसे। चलिए आपको याद होगा पहले केस में आप यहां से लेकर यहां तक 2 सेकंड में गए थे, तो ऊपर की ओर गए थे प्लस का 2 सेकंड, क्योंकि प्लस का वाई डायरेक्शन था। फिर नीचे की ओर आए आप, नीचे की ओर आते टाइम भैया माइनस का काम हो जाएगा, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो माइनस का टाइम ले लिया। तो अगर ऊपर की ओर प्लस का 2 है तो नीचे की ओर माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1, इस तरीके से इस चीज को देखा जाता है, ये भी संभावना देखी जाती है। अगर टाइम में भी हम क्या देखते, प्लस और माइनस देखते तो ठीक है, लेकिन हम देखते नहीं है इसलिए फिर हम इसको यूज करते नहीं है। बात समझ में आई क्या भाई, कि ये माइनस के 1 का लॉजिक क्या आया, ये ऐसे थोड़ी आ गया भाई, इसका भी अपना एक क्या है, इफेक्ट है, वो इफेक्ट कैसे देखे जाएगा, पता चला। चलिए तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट और आज के लास्ट दो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह देता हूँ। दोनों सवाल बहुत बढ़िया है, इवन आप देख सकते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नहीं है ये दोनों, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सवाल क्या है, 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भी आप गति की पढ़ रहे हो, मतलब सरल रेखा में गति पढ़ रहे हो, तो उसमें वेग निकालने के लिए या फिर समय निकालने के लिए हमें कभी भी द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो ऊपर वाला डेटा है एक तरीके से यूजलेस है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो भी सवाल को पढ़ने पर हमें और आगे पता चलेगा। द्रव्यमान का एक पिंड विराम अवस्था से 490 सेंटीमीटर नीचे गिरता है। तो डायग्राम समझिए, क्वेश्चन नंबर टू को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, एक पिंड है वो विराम अवस्था से मतलब U बराबर जीरो से चलता है नीचे की ओर, तो A बराबर प्लस का G यूज किया जाएगा, और कितना ऊंचाई तक चलता है, 490 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चलता है, ठीक है, गिरता है। रेत में 70 सेंटीमीटर धसकर स्थिरावस्था प्राप्त कर लेता है। ये लो भाई साहब, गिरता भी कहाँ है, रेत में, रेगिस्तान मान लो, तो ये गिरा पृथ्वी सतह पर, और पृथ्वी सतह पर गिर करके रुका नहीं है, ये चला है उस रेत में, कितना चला है, 70 सेंटीमीटर और चला है। 70 सेंटीमीटर चलने पर उसका अंतिम वेग कितना हो गया, जीरो हुआ। इसका मतलब यहां पर उसका वेग शून्य नहीं था, तो हमने बोला यहां पर उसका वेग शून्य नहीं है, लेट सपोज करो V1 मान लेते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पर रेत में 70 सेंटीमीटर, ये रेती है भैया, मिट्टी है, रेत में 70 सेंटीमीटर चलने के बाद में रुक गया है ना, तो रेत में 70 सेंटीमीटर चलने के बाद में स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। रेत द्वारा पिंड पर लगाया गया त्वरण, भैया नीचे की ओर आ रहा है, वेग यहाँ पे ज्यादा होगा कुछ ना कुछ होगा, और अब कम होता होता जीरो हो चुका है, इसका मतलब रेत क्या कर रही है, उसकी गति को मंदित कर रही है। तो ये त्वरण ज्ञात कर रहा है, रेत वाला, रेत को डेजर्ट एरिया वाला बोल लूँ क्या, या फिर सैंड वाला बोल देता हूँ, सैंड वाला त्वरण, कितना भाई, क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। और ये बात ध्यान में रखो, ये शायद माइनस में भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि गति कम हो रही है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए काम करना चालू करते हैं, मैं इसे डिवाइड कर देता हूं ए बी और सी पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी पार्ट से काम करते हैं, और मैं वी निकालता हूं, वी निकाला जा सकता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच से, क्योंकि यू का मान जीरो है तो एच का मान दिया हुआ है, वी निकल जाएगा, मतलब ये वी वन निकल जाएगा, वी वन निकल गया तो मेरे पास में ये ए बी आ जाएगा, कैसे भाई, वी इज इक्वल टू यू प्लस नहीं एटी नहीं इससे तो नहीं होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हो सकता है, हाँ यू का मान पता है, टी का मान अभी भी दिक्कत है, वापस से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ही लगाना पड़ेगा, तो इस वाले केस में काम होगा। चलिए काम करके देखते हैं, सबसे पहले ए बी पार्ट की बात करते हैं, तो हमने लिखा ए बी पथ हेतु, ए बी पथ हेतु क्या होगा भाई देवताओं, हमने तीसरा समीकरण यूज किया बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी का मान ज्ञात करना है, वी वन है भैया तो वी वन का स्क्वायर, यू का मान पता है जीरो है इसके लिए, प्लस टू ए का मान जी, और एस का मान कितना, 490 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, 4.9 लिख लूँ क्या, मेरे हिसाब से लिख सकते हैं, तो मैं इसको 4.9 लिख दूँ, बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, अरे ये 4.9 मीटर लिख दूं किसी देवता को दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो काम करते हैं। तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट, जी का मान कितना 10, और इसको 4.9 लिख लीजिए, ये 49 हो जाएगा, 49 इंटू 2 कर लीजिए 98 आएगा, ठीक है, ये 98 ये V1 का स्क्वायर है, इसको इतना ही छोड़ दो क्योंकि नेक्स्ट केस में यू का स्क्वायर में यही यूज होगा, तो ये इतना ही मैं छोड़ देता हूँ, इसका यूनिट नहीं लगा रहा हूँ मैं अभी, आप चाहें तो वेलोसिटी का यूनिट डबल कर दो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पथ देखिए बी सी, तो हमने लिखा बी सी पथ हेतु, जो मिट्टी में है ना, रेती के अंदर जो पथ है वो बी सी पथ है। चलिए इस केस के अंदर प्रारंभिक वेग कितना है, जो वी वन था कितना भाई, 98 का अंडर रूट, क्योंकि ये V1 का स्क्वायर है ना, 98 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड,
चलिए ए का मान पता नहीं है, ए बराबर ए एस लिखेंगे और वो पता नहीं है, अंतिम वेग जरूर पता है, जीरो है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को यूज किया हमने भाई, हमने लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखेंगे, वी का मान कितना जीरो, यू का मान कितना, ये ए का मान माइनस का लेकर के और चलूंगा, क्यों, क्योंकि त्वरण जो है वो कम हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने लिखा ये तो जीरो, यू स्क्वायर 98 लिख देता हूँ, प्लस टू इसका मान ए एस है और एस का मान कितना, देखो नहीं तो माइनस का आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस का आ ही जाएगा, ये बात और ध्यान में रखना। एस का मान कितना 70 सेंटीमीटर, 0.7 लिख दो, तो किसी को दिक्कत है क्या 70 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं। चलिए इसको उठा करके इस तरफ लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 × 0.7 गुणा ए एस बराबर कितना 98, है ना। चलिए तो ए एस की वैल्यू कितनी आएगी, 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.7। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बताता हूं, इसको 49 × 2 लिख सकते हैं और इसे मैं 4.9 × 10 भी लिख सकता हूं, बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलिए 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 7 टाइम्स जाएगा क्या, तो ए एस की वैल्यू आपको पता चलेगी बच्चों कितनी, 70 m/s², दैट इज द आंसर, पता चला, क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी पथ लिया, वेग निकाला उसका अंतिम वेग, उस अंतिम वेग को यूज किया किसके लिए बच्चों, इसके लिए। हाँ ये ए का मान कैसा, माइनस का आएगा, ये माइनस में भूल गया हूं, ये माइनस में आएगा, माइनस क्या बता रहा है, वेग कम होता जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे, तो पहले इसका वेग निकालो उसके बाद में इसके लिए त्वरण निकालिएगा। इस सवाल में थोड़ा सा आगे भी था, बल को भी ज्ञात करा था, रेत द्वारा लगाए गए बल को भी ज्ञात कीजिए, वो फॉर्मेट हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ लेंगे ना तब जाके हम ये काम भी करेंगे। अभी आप F=ma छोड़ दो, वो हम करेंगे आगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर एक बार के लिए कॉन्सेंट्रेट करें, जल्दी से उतारो इस चीज़ को, ये सवाल अच्छा है, जल्दी से उतारिए, फिर इसके बाद में आगे काम करते हैं। डन हुआ बच्चों, आगे काम करें। चलिए अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, फर्स्ट बहुत बार आप देखो ये, अगर आपको मतलब अगर टीचर किसी बच्चे को अटकाने की कोशिश करता है ना, कई बार टीचर भी ये सोचता है कि हाँ चलो आज बच्चों को ऐसा सवाल देता हूं जिससे बच्चे आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे तब जाके हो जाएगा, जबकि ये सवाल बहुत सिंपल है, छोटा सा लॉजिक और सवाल बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी वो लॉजिक लगा नहीं पाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, देखिए पहला, 100 m ऊंची एक मीनार से एक पत्थर नीचे गिराया जाता है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, 100 m ऊंची मीनार बना दी हमने, ये मीनार, ठीक है, और इस मीनार से एक पत्थर नीचे की ओर गिराया जाता है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई 100 m है, ध्यान में रखिए, फिर उसी समय एक पत्थर 25 m/s के वेग से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब इसे नीचे की ओर गिराया जा रहा था उसी समय एक और पत्थर को ऊपर की ओर फेंका भी जा रहा था, और कितने वेग से, u बराबर उसको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 25 m/s। जब पहले वाले पत्थर को, ये पहला वाला पत्थर और ये दूसरा वाला पत्थर, पहले वाले पत्थर का प्रारंभिक वेग कितना है, जीरो है, इसको क्योंकि दिया हुआ नहीं है इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग जीरो है। चलिए तो ये बताइए कि वे दोनों कब और कहां मिलेंगे, और भैया तिकार लगा के बैठा, तिकार तो समझते हो ना, ऐसा बिल्कुल फिक्स कि भिड़े ही भिड़े, है ना। तो लेट सपोज कीजिए यहां पर वो जगह है जहां पर वो एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो जब वो टकरा रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा, तो इस भाई साहब ने शायद दूरी H1 तय की होगी, है ना, और इस भाई साहब ने कितनी H2 दूरी तय की होगी, पूरी दूरी तो तय की होगी। फिर इसने जब H1 दूरी तय करी, तो भैया एक समय पर ये आपने फेंका, इसको नीचे की ओर इसको ऊपर की ओर,
ठीक, तो एक समय पर फेंका और एक ही समय पर टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों द्वारा ये H1 और H2 समान समय में तय किए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसने ज्यादा समय लगाया इसने कम समय लगाया, ऐसा नहीं है भैया। एक ही समय पर इसको नीचे की ओर फेंका गया और इसको ऊपर की ओर फेंका गया और फिर टकरा गए, तो फिर ऊपर वाले ने H1 को टी समय में ट्रेवल किया और नीचे वाले ने भी टी समय में ट्रेवल किया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 100 मीटर है नहीं है, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये और दिमाग में रखने लायक बात है भैया कि जब इसे नीचे की ओर फेंक रहे थे पहले को, तो इसका त्वरण जो है वो प्लस का जी लिखा जाएगा, जब इसे ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो इसका त्वरण जो है वो माइनस का जी लिखा जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, चलिए बस यही काम कीजिए, इसी कोई कॉन्सेप्ट बनाइए। तो हमने बोला पहले पत्थर हेतु, कौन सा पहले पत्थर हेतु, पहले पत्थर हेतु डायग्राम तो आपको दिखाई दे रहा है, H1 दूरी है, मैं दूरी से ही करूंगा, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने डायग्राम में देखो सारी चीजें लिख रखी हैं, S का मान कितना H1, प्रारंभिक वेग कितना 0, तो ये हो गया 0, फिर प्लस हाफ एक ही जगह कितना जी और टाइम कितना टी स्क्वायर, तो H1 इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो गया काम। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दूसरे पत्थर हेतु, कौन से पत्थर हेतु, दूसरे पत्थर हेतु, दूसरे पत्थर के लिए H2 दूरी है। फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का मान कितना H2, U का मान दूसरे वाले के लिए 25 है, 25 समय तो T ही लग रहा है, फिर हाफ A की जगह माइनस का G और T स्क्वायर, तो H2 इज इक्वल टू 25T माइनस का GT स्क्वायर। देखो GT स्क्वायर का मान किसके बराबर है, H1 के बराबर है नहीं है, चलिए तो H2 बराबर 25T माइनस H1। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, H1 इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 25T। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे ये इधर आया तो प्लस का हो गया ना, H1 प्लस H2 कितना है 100 मीटर है नहीं है, बराबर कितना 25T, तो T बराबर कितना रे देवताओं, 4 सेकंड आया नहीं आया, 4 सेकंड में उसने H1 और इसने H2 दूरी तय करी है। अब क्या बोल रहा है, तो ये बताइए कि वे दोनों पत्थर कब और कहाँ मिले, तो हमने बोला 4 सेकंड बाद में मिले, कहाँ मिले निकाल सकते हैं, H1 निकाल लो, H1 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर है, तो हमने लिखा हाफ, जी का मान मैं 10 लिख रहा हूं, टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 किया 80 हो गया क्या, ये 8 और 80, तो पहला पत्थर 80 मीटर नीचे की ओर और दूसरा पत्थर H2 बराबर कितना 100 माइनस H1 कर दूं क्या 20 मीटर, तो हम बोल सकते हैं वे दोनों पत्थर पृथ्वी सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि H1 तो ऊपर से नापा गया है, H2 नीचे से, तो पृथ्वी सतह से H2 कितना है 20 मीटर है, तो हमने बोला वे दोनों पत्थर पृथ्वी सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, मिल रहे हैं, कितने समय बाद 4 सेकंड बाद। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर ये समझ में आ गए हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नीट के क्वेश्चन करवाऊंगा, पिछले 10 या फिर 15 सालों के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में लिखे हुए होंगे लेकिन उनको समझाऊंगा पूरा हिंदी में, हम हिंदी में ही काम करेंगे, निश्चित कर लिया है, वीडियोस हिंदी में ही बनेंगे। हाँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में हो सकते हैं, टॉपिक सॉरी इंग्लिश में हो सकता है, टॉपिक इंग्लिश में लिखा हुआ हो सकता है लेकिन समझाऊंगा पूरा हिंदी में। तो हिंदी वाले बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों, वीडियोस को छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ना, हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि पहले अटेम्प्ट में ही नीट और IIT क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।